बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भगवान राम सीता को लेकर मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की टिप्पणी पर सवाल खड़े किए। निशाना साधते हुए कहा कि किस प्रकार की मानसिकता है, मुख्यमंत्री को गुढ़ा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, आपने देखा होगा जब सरकार में थी कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस सरकार दिल्ली में, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि भगवान राम कभी पैदा नहीं हुए, काल्पनिक थे। राजस्थान में आप महिलाओं की, नारी शक्ति की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो, स्वयं मुख्यमंत्री कहते हैं कि 65% मामले फर्जी होते हैं। दुष्कर्म के मामले में या सरकार के एक मंत्री कहते हैं कि ये तो मर्दों का प्रदेश है। और आज चूंकि सीता माता देश दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, और ऐसे में उनके लिए राम और रावण पागल थे उनकी सुंदरता के पीछे। मुझे लगता है कि किस प्रकार की मानसिकता है इन लोगों की, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी को तुरंत इस बारे में। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान की जनता ने बीजेपी को लाने का मन बना लिया है, ये भी सुनिए। और उसमें संकल्प लिया गया इस राजस्थान की सरकार को उखाड़ फेंकने का, युवा महिला किसान विरोधी सरकार को हटाने का, और हर प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के विजय के साथ, ऐतिहासिक विजय का। इन पांच संकल्पों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान में 2023 में फिर से, चूंकि जनता ने मन बना लिया है, तो इन संकल्पों के साथ भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, पार्टी का कार्यकर्ता इनके साथ जाने वाले हैं। देखिए, आगामी हमारा रोड मैप भी बना है। इस महीने में हमारा महिलाओं मातृशक्ति का एक बड़ा एक एजिटेशन यहाँ हुआ, भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ। कल झुंझुनू में, झुंझुनू जिले का हमारा किसानों का बड़ा आंदोलन होगा। 18 तारीख को युवाओं का एक बड़ा आंदोलन अजमेर की धरती पर होगा। तो जयपुर में एक महा आंदोलन होगा, महागेराव होगा, जो इस राजस्थान की नकारा और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का एक महत्वपूर्ण कारक बनेगा। देखिए, आगामी रोड मैप बना है, धीरे धीरे वो सारी जानकारी, चूंकि इस महीने का प्रोग्राम हमने आपको बताया है, नेक्स्ट प्रोग्राम भी आपको जल्दी बताएंगे। तो सीपी जोशी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर भी निशाना साधा, क्या कुछ का वो भी सुनिए। है कि राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे पदों पर बैठे लोगों के लिए कुछ मर्यादाएं होती है। मुझे लगता है कांग्रेस के लोगों ने मर्यादाओं को सारी ताक में रख दिया है कि कहीं कहीं छोटी पॉपुलरिटी पाने के लिए, प्रचार पाने के लिए इस प्रकार के बयानों को देने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता सब सबके बारे में जानती है। राजेंद्र सिंह जी सातवीं बार वहां की जनता ने उनको विधायक बनाकर भेजा, बहुत वरिष्ठ नेता है, लीडर अपोजिशन है, और सात बार किसी क्षेत्र की जनता ने किसी को चुन के भेजा होगा तो उस व्यक्ति में योग्यता है, उस व्यक्ति में समर्पण भाव है। लेकिन इस प्रकार के बयान देना मुझे लगता है वो निंदनीय है। ऐसे पदों पर बैठे हुए व्यक्ति,